गुड़िया न्याय मंच एक बार फिर से सड़कों पर उतर गया है। गुड़िया न्याय मंच ने मंगलवार को सीबीआई के शिमला कार्यालय के बाहर सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। गुड़िया न्याय मंच ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और सीबीआई की जांच भी माल रोड के इर्द गिर्द ही चल रही है। अगर सीबीआई सही दिशा में काम करती तो अब तक गुड़िया के असली गुनाहगार सलाखों के पीछे होते। इस अवसर पर विजेंद्र मेहरा ने कहा कि आज गरीब को 4 माह बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए अमीरी अफसरशाही और राजनेताओं की तिगड़ी जिम्मेदार है। सीबीआई ने पुलिस वालों को तो हिरासत में ले लिया है, लेकिन डीजीपी को अभी तक भी नहीं हटाया गया, जबकि मामले में उनको कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। सीबीआई की जांच भी मौके पर जाकर कम माल रोड के इर्द गिर्द ज्यादा घूम रही है। मेहरा ने चेतावनी दी है कि गुड़िया को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक गुड़िया न्याय मंच लड़ाई लड़ता रहेगा। गुड़िया न्याय मंच शिमला नागरी सभा और शहर की जो अनेकों और संस्थाएं हैं जिनको लेकर गुड़िया न्याय मंच बना था, उसकी ओर से ये सीबीआई कार्यालय का घेराव किया जा रहा है और हम शुरू से इस बात पे संदेह जताते रहे हैं कि गुड़िया के मसले पर लगातार प्रभावशाली लोगों को बचाने की कवायद रही है। आज 4.5 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि सीबीआई जो है चालान पेश करने की स्थिति में नहीं है, पुलिस तो चालान पेश कर ही नहीं पाई, जिसके कारण जो है जो दरिंदे थे या जो भी आरोपी थे वो छूट गए और जो असली हैं उनको बचाने की जो शुरुआत से कोशिश हुई, हम ये पूछना चाहते हैं आज कि आज डीजीपी क्यों बाहर है, बाकी सारे लोग जो है सूरज हत्याकांड में अंदर है। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस सारे मसले का भंडाफोड़ करने का दावा हुआ था, डीजीपी साहब भी वहाँ पर थे, तो आज जो है इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एक समझ जा रही है लोगों में कि असली कारिंदे जो हैं, असली जो दरिंदे हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और एक तिकड़ी जो है अमीरों की और अफसरशाही की और राजनेताओं की वो काम कर रही है इन प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए। सीबीआई से जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी अभी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है और हमारा तो ये आरोप है कि सीबीआई की ज़्यादातर कारगुजारी जो होनी चाहिए थी फील्ड में जाकर वो माल रोड के इर्द गिर्द घूमती रही है और उस बात पर प्रश्न चिन्ह पहले भी लगते रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी दिखाया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार जो अमीरों को बचाने की कोशिश हो रही है इस मसले में, जो असली अपराधी है उनको बचाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, प्रभावशाली लोग जो हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए नतीजा सामने नहीं आ रहा है। तो ये आज घेराव शुरू हमने किया है और आने वाले समय में निश्चित तौर से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हमने घोषणा भी की है समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से कि आने वाले समय में अगर विधानसभा या सचिवालय की ओर या सड़कों में भी कूच करना पड़ेगा तो निश्चित तौर से गुड़िया न्याय मंच के माध्यम से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जो है गुड़िया को न्याय मिलता नहीं है। शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। गुड़िया के कातिल को सजा क्यों नहीं मिलती?